फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर ब्यूटिफुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो एक एंटी एजिंग सीरम है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। जब आप इसे रेगुलरली में यूज करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सीरम है वो एजिंग साइंस को डिले करता है और ये बहुत ही बेटर सीरम है जो मैं आपको आज बताने वाली हूं। और फ्रेंड्स, ये आपके जो आपके चेहरे पे जो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, रिंकल्स, फाइन लाइंस या स्कार्स या जो रैसेस की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करने में ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा, सिल्की स्मूथ बनाएगा। बहुत ही अच्छा सीरम है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये सीरम कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रेडियंट्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सीरम बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोल देना चाहती हूं वो ये कि फ्रेंड्स, रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यानी कि फ्रेंड्स, रेगुलरिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हर क्षेत्र में। जब आपको किसी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए या फिर आपको अपनी स्किन से संबंधित हो या फिर अदरवाइज जो भी है, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको रेगुलरिटी रखना बहुत ही जरूरी है। रेगुलरिटी जब आप किसी क्षेत्र में रखेंगे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे और थोड़ी सी मेहनत की भी जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है ये सीरम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे तक मेरे साथ बने रहिए, यानी कि अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस सीरम को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है एलोवेरा जेल, जो आप देख सकते हैं। और एलोवेरा जेल फ्रेंड्स, आप जो है आप नेचुरल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया आपको एलोवेरा जेल, और सेकंड नंबर पे मैं लूंगी गुलाब जल। फ्रेंड्स, गुलाब जल के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूं, पिछले वीडियो में मैंने गुलाब जल का एक क्लींजर बताया है। ये बहुत ही बढ़िया क्लींजर बताया है मैंने, नेचुरल क्लींजर बताया है। आप कहीं पर भी जाएं या घर पर रात दिन में कभी भी उस क्लींजर का यूज कर सकते हैं। नेचुरल क्लींजर है, एकदम बेटर क्लींजर है। तो आप पिछले वीडियो में आप मेरा बनाया हुआ क्लींजर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने नेचुरल क्लींजर बनाया था उसका मैंने गुलाब जल का जो वाटर है वो मैंने इस बोतल में भर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये गुलाब जल मैंने लिया है, ये बहुत ही बेटर होता है हमारी स्किन को पिंक रोजी बनाने में, रोजी पिंक बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर पे मैंने ये लिया है। और थर्ड नंबर पे मैंने लिया है, देखिएगा, जो है ग्लैसरीन। फ्रेंड्स, ग्लैसरीन आप किसी भी कंपनी का भी ले लें पर बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्लैसरीन जो होता है वो आजकल मिलावट आने लगी। फ्रेंड्स, हर चीज में मिलावट है वो तो आप सभी जानते हैं। तो ग्लैसरीन किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा तो ये अच्छा है। मैंने ये जो रिधि प्योर ग्लैसरीन कंपनी का है, ये जो मैंने ले रखा है, अच्छा ग्लैसरीन है, बहुत अच्छा ग्लैसरीन है। तो थर्ड नंबर पे मैंने ग्लैसरीन लिया है। और फोर्थ नंबर पे मैं लूंगी जो है एवियन 400 कैप्सूल, यानी कि विटामिन ई कैप्सूल। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है। और फ्रेंड्स, विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर विटामिन ई नहीं, कैप्सूल नहीं है आपके पास, तो आप जो है ऑयल भी ले सकते हैं, आमंड ऑयल ले सकते हैं। आमंड ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स, ये फोर्थ नंबर पे मैंने ये लिया है सीरम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये सीरम कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगी एक चम्मच जो है एलोवेरा जेल, ये एक चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। खत्म हो चुका है क्योंकि मैं इसे यूज करती हूं, इस वजह से फिनिश हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये चम्मच, एक चम्मच मैंने जो है एलोवेरा जेल ले रखा है। और इसमें मैं मिक्स करूंगी आधा चम्मच जो है ग्लैसरीन, आप देख सकते हैं। ग्लैसरीन जो है फ्रेंड्स, हमारे स्किन को स्मूथ, सिल्की और हेल्दी बनाने में बहुत ही फायदेमंद रहती है। और जो रैसेस हैं
वो रैसेस को रिड्यूस करने में, फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करने में, ब्लेमिशेस पिंक बैंड डिशन को रिड्यूस करने में ही काफी हेल्पफुल होती है। तो ये दो चीजें मैंने ले ली हैं। और थर्ड नंबर पे मैं लूंगी गुलाब जल। फ्रेंड, गुलाब जल आप नेचुरल तरीके से अगर बनाकर घर पर यूज करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये मैंने स्प्रे की बोतल में करके बना के और इसको रख लिया था। तो मैं एक चम्मच लूंगी इसमें जो है गुलाब जल। मैंने गुलाब जल ले लिया है। अब मैं इसको वापस बंद कर दूंगी। और फोर्थ नंबर पे मैं 2 कैप्सूल लूंगी विटामिन ई के। और ये एक निडल की सहायता से मैं इसको इसमें निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें इसको निकाल लिया है। और एक कैप्सूल और मैं इसमें ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इन 4 चीजों को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये सीरम जो है बहुत ही बेहतरीन सीरम बन के तैयार हो जाएगा हमारे लिए। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बोल देना चाहती हूं आपसे कि ये जो सीरम है, आपने क्या करना है कि ये इस तरीके का कोई छोटा सा जार आपको ले लेना है। इसमें मैं ऑलरेडी बना के मैंने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैंने यूज भी किया है इसको, ये बहुत ही बेटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई जार ले लीजिए और उसमें इसको इसमें इस तरीके के जार में आपको फिल करके रख लेना है, यानी कि स्टोर करके रख लेना है। आप 1 मंथ के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि इसके खराब होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, गुलाब जल की मैं बात करूं तो गुलाब जल आप नेचुरल ले लीजिए। अगर नेचुरल नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का जो आपको सूट करता हो वो ले लीजिएगा। तो जो चीजें आपको जो सूट करती हूं मैं, ये 4 चीजें जो बताई हैं आपको, जो आपको सूटेबल लगे वो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। आप उन सभी चीजों को मिक्स करके और एक अच्छा सा सीरम अपने लिए बना लीजिएगा इस तरीके से, जो कि मैंने बना रखा है। आप देखिएगा, ये व्हाइट जो मैंने एलोवेरा जेल लिया है, ये व्हाइट में, इसमें कोई कलर नहीं है। ये सनी कंपनी का है, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। मैं कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ कि आप इसी कंपनी का लीजिएगा। और नेचुरल मिल जाए तो नेचुरल और भी ज्यादा बेटर है। तो आप इसको 1 मंथ के लिए आप इसे स्टोर करके रख लीजिएगा। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने फेस पर नाइट को लगाकर और अच्छे से 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत ही स्लोली मसाज करना है आपको। और मसाज करने के बाद आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। और रात भर छोड़ने के बाद आपने सुबह किसी अच्छे जो वाटर आपको सूटेबल लगे, या तो गर्म पानी जो आप करते हो या फिर नॉर्मल पानी या ठंडा पानी। वैसे ठंडा, गर्मियों का मौसम है, ठंडे पानी से आप वॉश करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। ठंडे पानी ठंडा आपको जो भी सूट करे वो बेटर है, उस पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। और रेगुलरली में फ्रेंड्स आप इसे यूज कीजिएगा। और जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप नया बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरम मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन एकदम से हेल्दी, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो जाएगी। और आपके जो प्रॉब्लम है फेस पर, जो मैंने बताया, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, स्कार्स या अदरवाइज जो भी है, तो उसको रिड्यूस करने में ये काफी हेल्पफुल रहेगा और आपकी स्किन एकदम से जवां दिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये सीरम आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि लोगों को इसका फायदा भी मिले। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज 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 मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और प्लीज। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।